हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ साइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, ये मेरा मल्टीपल इंटीग्रल्स का चैप्टर चल रहा है, जो कि बीएससी लेवल और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है। इसका ये लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें मैं आज आपको जेकोबियन निकालना सिखाऊंगी कि कैसे हम एक सिस्टम ऑफ वेरिएबल्स को दूसरे सिस्टम ऑफ वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो बच्चों, मेरे पास है एक टर्म जेकोबियन। एक तो ये क्या होती है और इसको कब यूज़ करते हैं, किस काम आती है, वो सीखना है आपको। तो देखो बेटा, कई बारी क्या होता है, हमारे पास डबल इंटीग्रल या ट्रिपल इंटीग्रल गिवन है हमें, और हमें ना कोई एक सिस्टम है, जैसे एक्स वाई कार्टेशियन सिस्टम है, ठीक है, उसके अंदर हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करना है। तो हम लेते हैं एक्स को आर कॉस थीटा, वाई को आर साइन थीटा। तो बेटा, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आप ऐसे ही नहीं ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते, उसके लिए एक टर्म निकालनी पड़ती है जेकोबियन। वो जेकोबियन आपका नॉन जीरो होगा, तभी आप एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी, जैसे आप कार्टेशियन सिस्टम से पोलर में जाना चाहते हैं, तो पहले एक मैपिंग फैक्टर निकालना पड़ता है, जिसको बोलते हैं जेकोबियन। वो नॉन जीरो होगा तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज आप ट्रांसफॉर्मेशन कर भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जेकोबियन की टर्म आज इंट्रोड्यूस करूंगी, जो आपको ये बताएगा कि किस तरीके से वेरिएबल्स को ट्रांसफॉर्म करना है। तो हमारे पास क्या है बेटा, लेट एफ बी अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन अ रीजन डी इन दी एक्स वाई प्लेन। आपको कोई एक्स वाई प्लेन दिया है, उसमें रीजन ऑफ इंटीग्रेशन सपोज कर लो डी है, और एफ फंक्शन को मुझे इंटीग्रेट करना है। तो हमारे पास ये डबल इंटीग्रल आ गया, जहाँ मेरी पेंसिल है। देखो बेटा, डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन डी, और फंक्शन कौन सा है, एफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स, जिसको हमें इंटीग्रेट करना है। अब इस रीजन, इसमें एक्स और वाई की मैं कोई सब्सटीट्यूशन कर लेती हूँ सपोज, ठीक है, और उस एक्स वाई सिस्टम को मैं किसी और सिस्टम यू वी प्लेन में ले गई हूँ। तो हमने लिया, ये पॉसिबल कब है, जब मेरे पास एक वन टू वन, वन वन ऑन टू मैपिंग होगी। तो लेट टी बी अ वन टू वन ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स द रीजन डी स्टार इन द यू वाई प्लेन ऑन टू डी अंडर द चेंज ऑफ वेरिएबल्स एक्स इक्वल टू जी यू वी, वाई इक्वल टू एच यू वी। देखो बेटा, ये ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसे मान लीजिए आर थीटा प्लेन में कर रहे हो, तो एक्स को आर कॉस थीटा, वाई को आर साइन थीटा ले लो। मैं यू वी प्लेन बता रही हूँ, तो मैंने ले लिया एक्स कोई भी फंक्शन है यू वी फॉर्म का, वाई कोई भी हमने ट्रांसफॉर्मेशन ली यू वी प्लेन के अंदर, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, देखो एक्स की जगह पे जी यू वी आ जाएगा, वाई की जगह पे एच यू वी आ जाएगा, साथ में एक फैक्टर आएगा जे यू वी, दिस इज कॉल्ड जेकोबियन। और इसका मॉड लेना है, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है हमेशा। और एक्स एक्स वाई प्लेन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यू वी प्लेन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब आप ऐसे करते हो, तो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन भी डी से डी स्टार में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब ये जेकोबियन कैसे निकालते हैं, इसका क्या फॉर्मूला है, देखो जेकोबियन जिस आप किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, एक्स वाई को यू वी में कर रहे हैं ना, तो ये डेल मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन। एक्स वाई जो हमारे को गिवन था, जिसमें हम कन्वर्ट कर रहे हैं, वो नीचे डिनोमिनेटर में आता है। हम यू वी प्लेन में लेके जा रहे हैं, तो डिनोमिनेटर में आएगा बेटा यू वी। तो आप मेरी पेंसिल देखिए कहाँ पर है। जब भी हम एक्स वाई सिस्टम को, मतलब किसी एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, तो जेकोबियन निकालना है। तो कैसे निकालना है, जिस जो गिवन सिस्टम है हमारे पास, उसको न्यूमरेटर में रखना है, और जो हमारे को कन्वर्ट करके मिलेगा वो नीचे डिनोमिनेटर में रखना है, ठीक है। अब इसको देखो, इस टर्म को कैसे इवेल्युएट करते हैं। देखो, सबसे पहले एक्स लिखा है, एक्स को नीचे जो दोनों वेरिएबल्स लिखे हैं उनके साथ पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए। तो एक्स को विद रिस्पेक्ट टू यू करेंगे, और एक्स को विद रिस्पेक्ट टू वी करेंगे। तो मेरे पास डिटर्मिनेंट की पहली रो आ जाएगी, डेल एक्स बाय डेल यू और डेल एक्स बाय डेल वी। ये जो बेटे लाइन्स मैंने लगा रखी हैं, ये डिटर्मिनेंट शो करती हैं, ठीक है। अब ये वाई है दूसरा वेरिएबल, ऐसे ही वाई को नीचे वाले दोनों वेरिएबल के साथ पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए। तो वाई को विद रिस्पेक्ट टू यू करूंगी मैं, वाई को विद रिस्पेक्ट टू वी करूंगी। तो मेरे पास सेकंड रो आ जाएगी डिटर्मिनेंट की, वाई विद रिस्पेक्ट टू यू एंड वाई विद रिस्पेक्ट टू वी। तो हम ये डिटर्मिनेंट निकालेंगे बेटा। अगर ये डिटर्मिनेंट मेरा नॉन जीरो आता है, तभी मैं एक्स वाई सिस्टम को यू वी सिस्टम के अंदर कन्वर्ट कर सकती हूँ, ठीक है। अगर ये जेकोबियन जीरो आ जाएगा, तो आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो और ये जो इस फैक्टर को हम मैपिंग फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में मैं आपको ये सिखाऊंगी कि जेकोबियन कैसे निकाला जाता है, और फिर किस तरीके से सिस्टम को कन्वर्ट करके हम अपने इंटीग्रेशन आसान कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए बेटा, फाइंड द जेकोबियन डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू वी इफ एक्स इज इक्वल टू यू प्लस टू वी एंड वाई है आपका थ्री यू माइनस फोर वी।
तो बेटा मुझे किसको किस में कन्वर्ट करना है, देखो एक्स वाई को यूवी प्लेन में कन्वर्ट करना है, मुझे लिख के भी दे रखा है उसने डेल एक्स वाई अपॉन डेल यूवी। तो हम इसका जेकोबियन निकालेंगे। इसका फॉर्मूला बेटा जैसे सिखाया आपको, पहले फर्स्ट वेरिएबल उठा लो एक्स, उसका दोनों वेरिएबल यू और वी के साथ पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालेंगे, वो फर्स्ट रो बनेगी। फिर दूसरा वेरिएबल लेंगे वाई, उसका दोनों वेरिएबल के साथ पार्शियल डिफरेंशिएशन लेंगे, वो मेरी सेकेंड रो बन जाएगी। तो मेरी सेकेंड रो बन गई वाई बाई यू वाई बाई वी। ठीक है, अब करो बेटा डेल एक्स बाय डेल यू। जब विद रिस्पेक्ट टू यू करोगे तो वी आपका कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा वन। अब एक्स को विद रिस्पेक्ट टू वी, ये देखो क्वेश्चन में गिवन है एक्स इक्वल टू यू प्लस टू वी, एक्स को विद रिस्पेक्ट टू वी करोगे तो बेटा यू कांस्टेंट हो गया तो टू आ गया। वाई को विद रिस्पेक्ट टू यू करोगे तो बेटा थ्री आ जाएगा, वाई को विद रिस्पेक्ट टू वी करेंगे तो हम माइनस फोर आ जाएगा। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर दीजिए बेटा, तो ये आ जाएगा माइनस टेन। ठीक है, तो जेकोबियन मेरा निकल कर आ गया माइनस टेन। ठीक है, और देखो ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ दो वेरिएबल्स वाले सिस्टम को ही कन्वर्ट कर सकते हो। आप थ्री वेरिएबल्स हैं मेरे पास एक्स वाई जेड, मान लीजिए थ्री थ्री वेरिएबल्स हैं, उनको भी किन्हीं और थ्री वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास तीन वाला जेकोबियन है, फाइंड जेकोबियन डेल एक्स वाई जेड अपॉन डेल यू वी डब्ल्यू, और आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है एक्स की ये वैल्यू, वाई की ये और जेड की ये क्वेश्चन आपको गिवन है। तो देखो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा बेटा, देखो जेकोबियन निकालना है मुझे, तो हमेशा की तरह वैसे ही सेम फॉर्मूला बनाएंगे। अब थ्री बाय थ्री डिटरमिनेंट बन जाएगा, देखो कैसे, देखो एक्स को विद रिस्पेक्ट टू यू ले लीजिए। ठीक है, पहले एक्स वेरिएबल उठाया, उसका तीनों के साथ डिफरेंशिएशन लिया, एक्स को विद रिस्पेक्ट टू यू, एक्स को विद रिस्पेक्ट टू वी, एक्स को विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू, ये फर्स्ट रो बन गई। अब वाई को उठा लो, वाई को विद रिस्पेक्ट टू यू, वाई को विद रिस्पेक्ट टू वी और y को विद रिस्पेक्ट टू w। ऐसे ही बेटा आप z थर्ड वेरिएबल उठाओगे, थर्ड वेरिएबल का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद ऑल द थ्री वेरिएबल्स जो नए वेरिएबल्स हैं। ठीक है, बस अब इसमें वैल्यू डाल दीजिए। देखो x को विद रिस्पेक्ट टू u करूंगी तो 1 आ रहा है, x को विद रिस्पेक्ट टू v, x को विद रिस्पेक्ट टू w। ठीक है, तो ये आ रहा है मेरे पास। अब y को विद रिस्पेक्ट टू u कर लो बेटा, 2 आ गया, y को विद रिस्पेक्ट टू v किया माइनस 1, y को विद रिस्पेक्ट टू w किया तो 3 आ गया। z को विद रिस्पेक्ट टू u, Z को विद रिस्पेक्ट टू वी, Z को विद रिस्पेक्ट टू W। ठीक है बेटा, अब ये थ्री बाय थ्री डिटर्मिनेंट आ गया, सब बच्चों को आता है डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको आप सॉल्व कर लेना बेटा, ये आंसर आपका आएगा माइनस नाइन। ठीक है बेटा, तो ये जेकोबियन आ गया मेरा माइनस नाइन। क्लियर, अभी सिर्फ जेकोबियन निकालना सिखाया। अब देखो आपको क्वेश्चन पूछा गया है, इफ यू इक्वल टू एक्स वाई और वी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्सप्रेस कर दीजिए डेल एक्स वाई अपॉन यू वी को इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यू। तो जेकोबियन आपको निकालना है, तो बेटा देखो जेकोबियन अगर मैं यहाँ पे निकालती हूँ तो मेरे पास कैसे निकलेगा, एक्स को विद रिस्पेक्ट टू यू और एक्स को विद रिस्पेक्ट टू वी और वाई को विद रिस्पेक्ट टू यू और वाई को विद रिस्पेक्ट टू वी। तो आप देख रहे हो कि अब मेरे पास देखो यू इक्वल टू एक्स वाई गिवन है, मुझे एक्स इक्वल टू यू और वी की टर्म्स में नहीं गिवन है, मुझे मतलब x और y जो है वो u और v की टर्म्स में नहीं गिवन है, मुझे u और v दिए हुए x और y की टर्म में। तो ऐसे केसेस में बेटा आप क्या किया करो, इसका अपोजिट निकाल लिया करो। हेयर इट इज यूजफुल टू फाइंड, हम यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं बेटा, इसका रेसिप्रोकल निकाल लेते हैं। ठीक है, हम u v को विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई निकाल लेंगे और जो मेरा आंसर आएगा उसका मैं रेसिप्रोकल ले लूंगी। ठीक है, एंड देन वी टेक रेसिप्रोकल। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हमें चाहिए वो हमें आसानी से मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो देखो मेरा अब डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई मेरा क्या निकलेगा, देखो यू को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यू को विद रिस्पेक्ट टू वाई, यही करते हैं, ऊपर वाले वेरिएबल्स को नीचे वाले वेरिएबल्स के साथ पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। अब देखो यू को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो क्या आएगा बेटा, वाई, क्योंकि यू एक्स वाई है। ठीक है ना, और यू को विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे तो एक्स आ जाएगा, v को विद रिस्पेक्ट टू x किया तो y कांस्टेंट था, v को विद रिस्पेक्ट टू y किया तो ये आ गया। ठीक है बेटा, इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये आ जाएगा माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब मुझे चाहिए था आंसर जो था वो मेरे को x और y की टर्म में चाहिए, तो पहली बात तो ये देखो मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है इसको u और v की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, ये टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है इसको u और v की टर्म में करना है, तो देखो कैसे कर सकती हूँ मैं, सबको पता है ये फॉर्मूला, मालूम है सबको ये, ठीक है, होती है ये, वी नो दैट। ठीक, अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्वेश्चन में v स्क्वायर दिया हुआ है, मुझे v दिया हुआ है तो ये आ गया v स्क्वायर प्लस फोर एक्स वाई, मुझे क्वेश्चन में u गिवन है। ठीक है, तो v स्क्वायर प्लस फोर यू स्क्वायर आ गया। ठीक है बेटा, तो मेरा जेकोबियन यू वी अपॉन डेल एक्स वाई क्या आ जाएगा बेटा,
माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे आ गया अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, ठीक है। बट हमें क्या फाइंड करना था, हमें तो निकालना था डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू वी, तो क्या करना चाहिए, वी हैव टू टेक द रेसिप्रोकल, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा बेटा फाइनली, ठीक है। सबको समझ आ गया, क्योंकि मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर आया था ना बेटा, तो मैंने यहाँ पे क्या किया इसका मैं लिख देती हूँ पूरा, ये था ना, तो मैंने इसका अंडर रूट ले लिया, तो मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ठीक है बेटा। तो गिवन इक्वेशन से आप जो है वेरिएबल्स को जिस फॉर्म में चाहिए हो उस फॉर्म में निकाल सकते हैं, क्लियर। तो मतलब मैं इस क्वेश्चन से आपको ये बताना चाहती थी कि कई बार आपको स्टेटमेंट जो है इम्प्लिसिट टाइप दी हुई हो तो आप रेसिप्रोकल लेके भी आंसर को निकाल सकते हो, ठीक है। आप देखो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, यूज अ सूटेबल चेंज ऑफ वेरिएबल्स टू फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय एक्स वाई इक्वल टू वन एक्स वाई इक्वल टू फोर एंड लाइंस वाई इक्वल टू एक्स एंड वाई इक्वल टू फोर एक्स। तो देखो बेटा उसने क्लियरली लिख दिया वर्ड कि वेरिएबल्स को आपको चेंज करना है, यूज अ सूटेबल चेंज ऑफ वेरिएबल्स, आपको वेरिएबल्स चेंज करने है, मतलब कोई सब्सटीट्यूशन आपको अपनी तरफ से लेनी है। तो देखो बेटा कैसे सोच सकते हैं हम सब्सटीट्यूशन, देखो मुझे दिया हुआ है एक्स वाई इक्वल टू वन और एक्स वाई इक्वल टू फोर, तो ये क्या है मेरे पास हाइपरबोलाज है ना, क्योंकि ये वाई इक्वल टू वन बाय एक्स फॉर्म का और ये वाई इक्वल टू फोर बाय एक्स फॉर्म का है, ठीक है। आप देख रहे हो इसमें दोनों में एक्स वाई कॉमन है ना, तो एक सब्सटीट्यूशन तो यही ले लो, लेट यू इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है। देन क्या हो जाएगा, देखो एक्स वाई इक्वल टू वन मुझे बोलेगा कि यू इक्वल टू वन है और एक्स वाई इक्वल टू फोर मुझे बोल देगा कि यू इक्वल टू फोर है, ठीक है बेटा। अब देखो दूसरी चीज मुझे क्या दी हुई है, एंड द लाइंस वाई इक्वल टू एक्स एंड वाई इक्वल टू फोर एक्स, ये है। आप देखो इधर से कोई कोई चीज कॉमन बन रही है, देखो वाई बाय एक्स वन बन रहा है और वाई बाय एक्स मेरा फोर बन रहा है, सो हम एक सब्सटीट्यूशन ले लेते हैं, लेट वी इक्वल टू वाई बाय एक्स, जो कॉमन पोर्शन है ना उसी को ले लो, उससे आसान हो जाएगी सब्सटीट्यूशन। देन वाई बाय एक्स अगर वन है तो वी हो गया वन, y बाय एक्स अगर आपका 4 है तो v आ गया 4, ठीक है बेटा। अब देखो मैं आपको स्केच भी कर देती हूँ रीजन, एक्स वाई प्लेन अगर एक तरफ रख लिया मैंने और एक तरफ मैंने अपना रख लिया बेटा यू वी प्लेन, ठीक है। ये देखो एक्स वाई प्लेन में मेरे पास इक्वेशंस दी हुई हैं, एक्स वाई इक्वल टू वन एक्स वाई इक्वल टू फोर और मेरे को y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू फोर एक्स, ये दिया हुआ था। और यहाँ पे मेरा ये किस में कन्वर्ट हो गया, एक्स वाई वन था तो यू वन आ गया था, एक्स वाई फोर था तो यू फोर आ गया था और वाई बाय एक्स वन था तो वी आ गया था और वाई बाय एक्स फोर था तो ये आ गया था। ये सिस्टम मेरा कन्वर्ट हो गया एक्स वाई प्लेन से यू वी प्लेन में। देखो जरा स्केच भी करके देख लेते हैं, थोड़ा सा हमारे को पता चल जाए कि हमारे क्या रीजन्स हैं। बेटा देखो एक्स वाई इक्वल टू वन का मतलब होता है वाई इक्वल टू वन बाय एक्स, उसका ग्राफ ऐसा ही होता है, ठीक है। ये हो गया मेरा एक्स वाई इक्वल टू वन, एक्स वाई इक्वल टू फोर होगा तो और थोड़ा सा ऊपर चली जाऊंगी मैं तो ये आ जाएगा। वाई इक्वल टू एक्स क्या होती है, लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, ठीक है। ये हो जाएगा वाई इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू फोर एक्स क्या होगी, ये वाली लाइन हो जाएगी, ठीक है। तो ये रीजन इन चारों से बाउंड करते हुए बनाना है, तो मेरा शेडेड रीजन कौन से वाला बन गया, देखो बेटा मेरा शेडेड रीजन हो गया ये वाला, इन सबसे बाउंडेड होते हुए रीजन बनाना ना, तो ये मेरा शेडेड रीजन हो गया, क्लियर। अब ऐसे ही देखें जरा, जब हमारा यूवी प्लेन में आए तो रीजन क्या बना, देखो ये मेरा यू होगा, ये वी है, यहाँ पे ये एक्स है और ये वाई है। देखो यू इक्वल टू वन मीन्स दिस लाइन यू इक्वल टू वन, यू इक्वल टू फोर मीन्स दिस लाइन यू इक्वल टू फोर, वी इक्वल टू वन मीन्स दिस वन वी इक्वल टू वन और वी इक्वल टू फोर, सपोज ये वाली लाइन आ गई वी इक्वल टू फोर, तो इनसे बाउंड होता हुआ रीजन लेना है आपकी बारी। तो आपकी बारी मेरा शेडेड रीजन कौन सा आ गया इन सबसे बाउंड होता हुआ, ये वाला रीजन आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा आप देखो कि रीजन ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे किस तरीके का था, एक्स वाई प्लेन में जहाँ मेरी पेंसिल है देखो, और जब हमने इसे यूवी प्लेन में बनाया तो ये रेक्टेंगुलर रीजन में कन्वर्ट हो गया। आपको पता है ना रेक्टेंगुलर रीजन में इंटीग्रेट करना मेरे लिए बहुत आसान होता है फिबोनाची थ्योरम से, ठीक है। और यहाँ पे मेरा ओवर अ जनरल रीजन आ रहा है आपका नॉन रेक्टेंगुलर रीजन के ऊपर इंटीग्रेट करना है, तो हमें हमेशा पता है कि रेक्टेंगुलर रीजन पे इंटीग्रेट करना हमारे लिए हमेशा ही सिंपल रहता है, तो हमारे लिए क्वेश्चन जो है ट्रांसफॉर्मेशन से सिंपल हो गया है। तो देखो क्वेश्चन कैसे चेंज होगा बेटा, कैसे इंटीग्रेशन निकालेंगे अब हम इसकी, ये देखो मुझे कन्वर्ट करना है। अब पहले एक बार जैकोबियन भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब भी सिस्टम को कन्वर्ट करते हैं तो जैकोबियन जरूर निकालना है, ठीक है बेटा। तो डेल एक्स वाई डेल यू वी निकलेगा, क्योंकि गिवन सिस्टम एक्स वाई है और हमने कन्वर्ट किया यू वी पे, तो जो हम कन्वर्ट करते हैं जिसमें वो नीचे आता है और जो गिवन होता है वो ऊपर रहता है, तो ये क्या होगा बेटा डेल एक्स वाई डेल यू
डेल एक्स बाय डेल वी, डेल वाई बाय डेल यू और डेल वाई बाय डेल वी। ठीक है बेटा, अब इसमें वैल्यू डालो। देखो देखो मैंने सब्सटीट्यूशन ली थी, u इक्वल टू एक्स वाई और v इक्वल टू वाई बाई एक्स। करो x को विद रिस्पेक्ट टू u करोगे बेटा। अच्छा अब ये देखो फिर से ये u और v की फॉर्म में है ना इक्वेशंस, तो इट इज बेटर टू फाइंड इसका रेसिप्रोकल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मैं डेल u v अपॉन डेल x y निकाल लेती हूँ। ठीक है, तो ये क्या होगा बेटा, u को विद रिस्पेक्ट टू x, u को विद रिस्पेक्ट टू y, v को विद रिस्पेक्ट टू x, v को विद रिस्पेक्ट टू y। तो बेटा u को विद रिस्पेक्ट टू x किया तो मेरे पास आ गया y, u को विद रिस्पेक्ट टू y किया तो x आ गया, v को विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो बेटा y कांस्टेंट हो जाएगा, v को विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये मेरा किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, माइनस वाई बाय प्लस आ जाएगा, सॉरी। ठीक है, तो ये मेरा आ गया टू वाई बाय एक्स। ठीक है, तो वाई बाय एक्स क्या था, वी, तो मेरा जेकोबियन आ गया टू वी विच इज नॉन जीरो, तो आपका ये कन्वर्जन जो है पॉसिबल है। ठीक है, तो अब देखो जो मुझे गिवन इंटीग्रल निकालना है, अच्छा ये जेकोबियन आया है, मुझे चाहिए था जेकोबियन, एक बार रेसिप्रोकल लेना भूल गई ना मैं, एक्स वाई अपॉन, दोबारा लिख देते हैं, जेकोबियन इज डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू वी। हमेशा याद रखिए बेटा जो गिवन सिस्टम है वो न्यूमरेटर में आएगा और जो आप निकाल रहे हो वो डिनोमिनेटर में आएगा, जिसमें कन्वर्ट कर रहे हो वो डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है बेटा, अब देखिए मुझे निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, तो एरिया निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला डबल इंटेग्रल की फॉर्म में बेटा क्या होता है, यही होता है डी वाई डी एक्स। ठीक है, अगर आपको डबल इंटेग्रल का इस्तेमाल करना है, अब बेटा इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया है, सिस्टम को यूवी प्लेन में, तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा जेकोबियन डी यू डी वी, और यू और वी की हम वैल्यूज ले लेंगे यहाँ पर। तो यू की वैल्यू थी बेटा मेरी, यू जा रहा था मेरा वन से फोर में और वी भी जा रहा था मेरा वन से फोर में। ठीक है बेटा, तो ये मेरा सिस्टम कन्वर्ट हो गया यूवी प्लेन के अंदर। ठीक है बेटा, हमेशा याद रखिए कि जब भी आप एक्स वाई प्लेन से यूवी सिस्टम में जा रहे हैं तो साथ में जेकोबियन जरूर डालना है इंटीग्रेंट के अंदर। क्लियर, अब देखो जेकोबियन मेरा क्या निकल कर आया, वन बाय टू वी। ठीक है, वन बाय टू वी डी वी डी, अगर आपने यहाँ पे यू पहले लिखा है तो यू ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, वैसे कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि आपका रेक्टेंगुलर रीजन है, तो यू वन वी वन से फोर, वन से फोर। ठीक है, अब देखो बेटा पहले वी यहाँ पे यू आएगा। ठीक है, पहले ये अंदर वाला इंटीग्रल सॉल्व करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करेंगे तो वन बाय टू वी का, वन बाय वी का इंटीग्रेशन लॉग वी, और वी की लिमिट्स आ गई वन टू फोर और ये बाहर आ गया डी यू। क्लियर है बच्चों, अब इसको इंटीग्रेट करो तो वन बाय टू लॉग फोर माइनस वन बाय टू लॉग वन, लॉग वन होता है बेटा आपका जीरो। ठीक है, और लॉग फोर को यू कैन ऑलवेज राइट लॉग टू स्क्वायर। ठीक है, ये लिख सकते हो, और वन बाय माइनस वन बाय टू लॉग वन का आ गया जीरो, तो ये तो सारी टर्म वैसे भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगी, आपका इंटीग्रेशन रह जाएगा वन से फोर तक यू का। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा वन बाय टू लॉग टू स्क्वायर को यू कैन ऑलवेज राइट टू लॉग टू, माइनस जीरो हो गया ये, और वन का इंटीग्रेशन यू, यू का इंटीग्रेशन वन से, यू की लिमिट वन से फोर, तो बेटा ये आ जाएगा मेरा इधर लॉग टू और यू की वैल्यू डली फोर और फिर डल गई लोअर लिमिट वन, तो मेरा आंसर आ गया फोर माइनस वन थ्री लॉग टू। ठीक है बेटा, एरिया निकाला है तो हम लिख देंगे स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है बच्चों, तो बेटा आपने देखा कि किस तरीके से जनरल रीजन मेरा रेक्टेंगुलर रीजन में कन्वर्ट हो गया व्हेन वी चेंज द वेरिएबल्स। तो ये हमारी सब्स्टिट्यूशन से हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया, राइट। आगे चलते हैं बेटा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, हर बुक में मिलता है देखने को ये। इवेलुएट दिस इंटेग्रल वेयर आर इज द पैरेललोग्राम इन द एक्स वाई प्लेन विद व्हाट इज इज दिस वन एंड यूजिंग द ट्रांसफॉर्मेशन यू इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड वी इक्वल टू एक्स माइनस टू वाई। उसने ट्रांसफॉर्मेशन आपको खुद लिख कर दे दी है। ठीक है, तो खुद लिख दी ट्रांसफॉर्मेशन तो बहुत आसान हो गया हमारे लिए। देखो अब मुझे दिया हुआ है कोऑर्डिनेट, दिया हुआ है वन जीरो। ठीक है, तो जब वन जीरो कोऑर्डिनेट है तो ये किस फॉर्म में है, वन जीरो कोऑर्डिनेट बेटा मेरा एक्स वाई प्लेन में है ना, इसको ऐसे लिख लो। देखो एक्स वाई में अगर वन जीरो है तो आप देखो यूवी प्लेन में ये क्या होगा, देखो वेन एक्स इज इक्वल टू वन एंड वाई इज इक्वल टू जीरो देन
यू क्या बन रहा है बेटा, देखो एक्स प्लस वाई क्वेश्चन में गिवन है, तो एक्स की वैल्यू वन डाली, वाई की जीरो डाली, तो वन प्लस जीरो वन आ गया, दैट दिस इंप्लाइज यू तो आ गया वन, ठीक है। और वी क्या होगा, देखो वी है मेरा एक्स माइनस टू वाई, तो एक्स की वैल्यू डाली वन, वाई माइनस टू, वाई की वैल्यू डाली जीरो, तो वन आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब एक्स वाई प्लेन में, तो अगर मेरा एक्स वाई वन जीरो है तो मेरा यू वी किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, यू कितना आ रहा है वन, और वी भी मेरा आ रहा है वन, ठीक है। तो यू आ रहा है मेरा वन और वी भी आ रहा है मेरा वन। ऐसे ही बेटा दूसरा देखो, व्हेन एक्स वाई इज थ्री कॉमा वन, दिस इंप्लाइज एक्स तो थ्री दे रखा है और वाई मेरे को वन दे रखा है, तो यू कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई में वैल्यू डाली थ्री प्लस वन विच इज इक्वल टू फोर, ठीक है। और वी कितना हो जाएगा बेटा मेरा, एक्स माइनस टू वाई, यानी कि थ्री माइनस टू वाई की वैल्यू वन डाल दी तो वन आ गया। क्लियर हो गया बेटा, तो इसका मतलब मेरा यू हो जाएगा फोर और वी हो जाएगा वन, इनको मार्क करते चले जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही और देखिए, ये सेकेंड हो गया, थर्ड कोऑर्डिनेट मुझे क्या दिया हुआ है, एक्स वाई का वर्टेक्स कितना दिया हुआ है, एक्स वाई थ्री वन हो चुका है, टू कॉमा टू, ठीक है। इसका क्या मतलब हो गया, x की वैल्यू 2 दे रखी है और y की वैल्यू 2 दे रखी है, तो u कितना आ जाएगा बेटा मेरा, x प्लस वाई में वैल्यू डाली 2 प्लस टू इक्वल टू फोर, और v कितना आ जाएगा, x माइनस टू वाई, यानी कि x की वैल्यू 2 माइनस टू इंटू वाई की वैल्यू टू टू सॉरी माइनस टू आएगा, v एक्स माइनस टू टू कितनी आ जाएगी, ये माइनस टू, ठीक है। तो u आ गया 4 और v आ गया माइनस टू, क्लियर है, ये आ गया। अब फोर्थ कोऑर्डिनेट मुझे क्या दिया हुआ है बेटा, जब एक्स वाई मेरा क्या होना चाहिए क्वेश्चन में, जीरो वन, तो देखो इसका मतलब एक्स जीरो दे रखा है और वाई वन दे रखा है, इसका मतलब यू जो है एक्स प्लस वाई है, तो जीरो प्लस वन वन है, और वी कितना दे रखा है, एक्स माइनस टू वाई, यानी कि एक्स जीरो माइनस टू वाई को दे रखा है वन, तो मेरे पास क्या आ गया बेटा, u की वैल्यू आ गई 1 और v की वैल्यू आ गई माइनस 1। क्लियर बेटा, सबको समझ आ गया। तो अब देखो जरा मैं जैकोबियन भी निकाल लूँ इनका, ठीक है। तो जैकोबियन क्या होगा, देखो गिवन सिस्टम एक्स वाई है, तो ऊपर एक्स वाई आएगा, नीचे u भी आएगा। अब फिर से इक्वेशन आपको u और v की फॉर्म में गिवन है, तो हम क्या करते हैं, उल्टा वाला निकाल लेते हैं और फिर बाद में रेसिप्रोकल ले लेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा बेटा, u को विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, फिर u को विद रिस्पेक्ट टू y, फिर v को विद रिस्पेक्ट टू x, v को विद रिस्पेक्ट टू y। तो u है बेटा मेरा x प्लस वाई, तो u को विद रिस्पेक्ट टू x करूंगी तो 1 आ जाएगा, u को विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो भी 1 आ जाएगा। v को विद रिस्पेक्ट टू x किया, v को विद रिस्पेक्ट टू y किया, इसको सॉल्व किया, तो मेरा जैकोबियन आ गया माइनस 3। तो इसका मतलब डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू वी वाला क्या आ जाएगा जैकोबियन, माइनस 1 अपॉन 3, ठीक है बेटा। तो अब मेरा गिवन सिस्टम कन्वर्ट करना है मुझे, ठीक है। अगर कोई बच्चा इसकी प्लॉटिंग भी देखना चाहता है तो वो भी बहुत आसानी से देख सकता है, प्लॉटिंग भी मैं इसकी करके दिखा देती हूँ आप लोगों को। देखो एक्स वाई प्लेन के अंदर इधर आ जाओ और यू वी प्लेन में इधर आ जाइए, ठीक है। देखो बेटा ये देखो, ये मेरा एक्स और वाई, देखो एक्स वाई प्लेन में मेरे जो कोऑर्डिनेट्स गिवन थे, 1 0 एक वर्टेक्स था, 3.1 दूसरा वर्टेक्स था जो यहाँ कहीं होगा, 2.2 मेरा यहाँ कहीं होगा बेटा, ठीक है, और मेरे पास है 0.1 वो मेरा यहाँ होगा, ठीक है। सपोज ये डी मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी, तो ये पैरेललोग्राम बेटा मुझे क्वेश्चन में गिवन था, दिस इज द क्वेश्चन पैरेललोग्राम गिवन टू अस। अब जब मैंने इसे यू वी प्लेन में कन्वर्ट किया तो ये बेटा देखो क्या बना है, मेरी इक्वेशंस बनी हैं, जब एक्स वाई 1 0 था तो मेरा वो बन गया था 1.1 बन गया, तो 1.1 सपोज कर लो ये u इधर है और v इधर है, तो x अगर 1 इधर है तो 1 इधर है, तो ये बना 1.1। जब मेरा एक्स वाई बेटा 3.1 था तो मेरा u बना था 4 और v बना था 1, तो ये पॉइंट सपोज कर लो 4 है, तो 4.1 मेरा ये पॉइंट आ गया, ठीक है। एक्स वाई बेटा मेरा 2.2 था तो ये 4.-2 बना, तो 4.-2 विल बी समवेयर हेयर, ठीक है। और बेटा मेरे पास क्या है, 1.-2, तो 1.-2 विल बी हेयर, ठीक है।
तो ये रीजन में कन्वर्ट हो गया। आप देख रहे हो फिर से रेक्टेंगुलर रीजन में कन्वर्ट हो गया। तो रेक्टेंगुलर रीजन इज ऑलवेज इजी टू सॉल्व, वी कैन इजीली सॉल्व इट बाय फिबोनाची थ्योरम। ठीक है बेटा, तो ये मैंने रीजन स्केच भी कर दिया, कई बार स्केच करने के लिए आ जाता है तो आपको पता चल जाएगा रीजन स्केच करके क्या है। अब आप देख सकते हो बेटा यू की लिमिट क्या बनेगी यहाँ पे, यू कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, मिनिमम 1 है मैक्सिमम 4 है, तो यू की लिमिट हो गई 1 से 4। और वी की लिमिट क्या होगी बेटा, वी कहाँ से कहाँ पे जा रहा है आपका, वी जा रहा है बेटा -2 मिनिमम है और मैक्सिमम 1 है, तो वी की लिमिट आ गई -2 से 1। तो मैं लिख भी लेती हूँ, यू की लिमिट आ रही है मेरी मैक्सिमम 1, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 4, और वी की लिमिट आ रही है बेटा मेरी -2 से 1। ठीक है, अब बेटा मुझे जो रीजन इंटीग्रेट करना है अब उसको कंसीडर करके और वैल्यूज डाल दीजिए। तो देखो मेरा क्वेश्चन में जो पूछा गया है मुझसे, मुझसे पूछा गया है रीजन आर इवेल्युएट कीजिए, ये ओवर द रीजन आर इवेल्युएट कीजिए। तो मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया यूवी सिस्टम में। अब देखो एक्स प्लस वाई क्वेश्चन में गिवन था यू, तो इंटीग्रेंट तो बन गया यू स्क्वायर, साथ में आता है जेकोबियन, ठीक है, और जिस सिस्टम में आपने कन्वर्ट किया है डी यू डी वी, ठीक है, और नीचे लिमिट आ जाती है यू और वी की। तो यू की तो लिमिट है मेरी 1 से 4 और वी की लिमिट है मेरी -2 से 1। ठीक है बेटा, याद रखना है जेकोबियन का हमेशा मॉड लिया जाता है, नेगेटिव वैल्यू नहीं डाली जाती। तो u आ गया बेटा 1 से 4, v आ गया -2 से 1, u स्क्वायर, और मेरा जेकोबियन आया था -1/2 भी आया था या 1/2 भी, नहीं -1/3 था, सॉरी जेकोबियन था बेटा मेरा -1/3, तो मॉड ले लूंगी तो 1/3। ठीक है, डी यू डी वी आपकी मर्जी है, विद रिस्पेक्ट टू यू पहले करना है यू कर लो, विद रिस्पेक्ट टू वी करना है तो वी भी कर सकते हैं, बिकॉज रेक्टेंगुलर रीजन दे रखा है, फिबोनाची थ्योरम लगा रहे हो, आपका जिसका मन करे उसको कर लो। ठीक है, तो मैंने विद रिस्पेक्ट टू यू ले लेती हूँ पहले। हाँ, अगर यू ले रहे हो तो अंदर की तरफ लिमिट यू की ही लिख लो, मैं यहाँ पे यू की लिमिट लिख लेती हूँ, बाहर वी की लिख लेती हूँ। ठीक है, क्लियर। अब मैं विद रिस्पेक्ट टू यू इंटीग्रेट कर रही हूँ, देखो बेटा यू क्यू यू स्क्वायर का यू क्यूब बाय 3 हो जाएगा 1 से 4। ठीक है, वी मेरा बाहर रह गया, जिस मर्जी से कर सकते हो बेटा इंटीग्रेट। तो यू क्यूब बाय 3 3 9 आ गया, और वी से इंटीग्रेट वैल्यू नहीं ली, अच्छा सॉरी मैंने 1/4 डी वी -2 से 1, तो ये आ जाएगा बेटा 4 4 जा 16, 4 जा 60, 4/9 -1/9। ठीक है, अब बाहर रह गया डी वी, ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन वी, तो ये हो जाएगा इधर 64 -1 किया 63/9, इधर 1 का इंटीग्रेशन आ गया -2 से 1 के बीच में, तो 9 7 जा 63, 1 -2, ठीक है, तो ये आ गया 3 7 जा 21। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से कन्वर्ट कर पाते हैं बेटा, जब कोई ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करते हैं तो इंटीग्रेशन आसान हो जाती है हमारे पास काफ़ी। ठीक है, चलिए और देखते हैं बेटा क्वेश्चंस। सॉरी, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इवेलुएट इंटेग्रल एक्स वाई 1 - x - y dx dy, वेयर d इज द रीजन बाउंडेड बाय x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x प्लस वाई इक्वल टू 1 यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन। अगर क्वेश्चन में ट्रांसफॉर्मेशन दे दे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन x प्लस वाई इक्वल टू यू एंड y इक्वल टू यू। ठीक है बेटा, देखो सबसे पहले तो मुझे ट्रांसफॉर्मेशन गिवन ही है, क्लियर। तो देखो मेरे को गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू यू और y इक्वल टू यू वी, तो पहले इसमें y को यू वी डाला तो ये आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई u माइनस यू वी। ठीक है, और तो अब हमारे पास दो रिलेशन आ गए, x इक्वल टू यू माइनस यू वी और y आ गया यू वी। ठीक है, तो मुझे पहले तो जेकोबियन ही निकाल लो, है ना। जेकोबियन क्या है, एक्स वाई को विद रिस्पेक्ट टू यू वी, अब एक्स और वाई की ही इक्वेशन गिवन है तो डायरेक्ट ही निकल जाएगा, एक्स को विद रिस्पेक्ट टू यू, एक्स को विद रिस्पेक्ट टू वी, वाई को विद रिस्पेक्ट टू यू बेटा और वाई को विद रिस्पेक्ट टू वी, आराम से जेकोबियन निकलेगा। देखो एक्स को विद रिस्पेक्ट टू यू करोगे तो 1 - v, एक्स को विद रिस्पेक्ट टू वी किया तो -u। ठीक है, वाई को विद रिस्पेक्ट टू यू, वाई को विद रिस्पेक्ट टू वी। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, u माइनस यू वी माइनस माइनस प्लस यू वी, तो जेकोबियन आ गया बेटा मेरा u, क्लियर है। अब देखो बेटा गिवन इधर xy प्लेन का रीजन
वो भी निकाल लेते हैं एक बारी। देखो मुझे क्या गिवन है, एक्स इज जीरो, ठीक है। तो व्हेन एक्स इज जीरो तो मुझे क्या गिवन है, एक्स का रिलेशन क्या था, एक्स इक्वल टू यू वन माइनस वी, तो इसमें एक्स को जीरो डालोगे तो ये आ जाएगा बेटा। तो इसका मतलब या तो यू जीरो है या फिर वन माइनस वी जीरो है, तो इसका मतलब यू जीरो और वी की वैल्यू क्या आ गई, वन आ गई, ठीक है। दूसरा देखो, व्हेन एक्स वाई इज जीरो, क्वेश्चन में गिवन है बेटा, जो चीजें वही लिख रही हूँ, रीजन निकाल रही हूँ। व्हेन वाई इज जीरो तो इसका मतलब वाई क्या दिया हुआ है मुझे, यू वी, तो वाई को जीरो डाल दिया मैंने, ठीक है। तो इससे मुझे क्या मिला, यू जीरो और वी जीरो, ठीक है, यही आएगा आपके पास। तो व्हेन तीसरा दिया हुआ है एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन, तो इसका क्या मतलब है, एक्स की वैल्यू है यू माइनस यू वी और वाई की वैल्यू है बेटा यू वी, ठीक है। ये दोनों बंदे रखें तो इसका मतलब यू की वैल्यू आ गई वन, ठीक है बेटा। तो मेरे पास एक तो यू की वैल्यू वन आ गई और ये आ गई है और ये आ गई है, ठीक है। इन तीनों से बाउंड होने वाला रीजन लेना है, तो देख लो एक्स वाई प्लेन का रीजन इधर लिख लेती हूँ, यू वी प्लेन का रीजन इधर स्केच कर देती हूँ, ठीक है बेटा। देखो एक्स वाई प्लेन में बेटा मुझे क्या क्या दिया हुआ है, एक्स जीरो वाई जीरो और एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन, यही इक्वेशंस है। एक्स इक्वल टू जीरो मीन्स वाई एक्सिस, ठीक है, तो ये हो गई एक्स इक्वल टू जीरो। वाई इक्वल टू जीरो मीन्स एक्स एक्सिस, तो ये हो गई वाई इक्वल टू जीरो, और एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन एक ये लाइन होगी, एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन। तो इन तीनों से रीजन जो बाउंड हो रहा है वो गिवन है, तो ये तो गिवन रीजन है ट्राइंगुलर। और यूवी प्लेन में देखते हैं, यूवी प्लेन में मेरे पास क्या आया है, यू जीरो आया है, वी वन आया है और एक वी इक्वल टू जीरो, ये सारी चीजें आई हैं आपके पास, और यू इक्वल टू वन भी आया है, ठीक है, जो हमने ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन करी है उनसे ये सब आया। तो ये हो गया बेटा मेरा यू और ये हो गया मेरा वी, ठीक है। स्केच करो इसको, देखो यू इक्वल टू जीरो मीन्स वी एक्सिस, यू वी इक्वल टू जीरो मीन्स यू एक्सिस, v इक्वल टू वन मीन्स दिस लाइन, u इक्वल टू वन मीन्स दिस लाइन, तो ये आ गया u इक्वल टू वन, ये आ गया v इक्वल टू वन। इन सबसे बाउंड होने वाला रीजन लेना है तो ये रीजन आ गया, ठीक है बेटा। आप देखो इसके अंदर u की लिमिट्स क्या आएंगी बेटा, रेक्टेंगुलर रीजन है तो बहुत आसानी से पता चला कि u जीरो और वन के बीच में है और v किसके बीच में है, v भी जीरो और वन के बीच में, क्लियर है बच्चों। बस अब जो क्वेश्चन गिवन है उसको आपको इवेलुएट करना है, जैकोबियन भी निकाल चुके हैं, रीजन भी मिल चुका है, ठीक है। तो मुझे कंसीडर करना है बेटा, ये क्वेश्चन में मुझे गिवन है, मुझे ये निकालना है ओवर द रीजन डी, ये निकालना है ना। तो अब ये देखो किस में कन्वर्ट होगा, देखो एक्स है मेरा यू माइनस यू वी, यानी कि यू वन माइनस वी, ये तो एक्स हो गया। वाई गिवन है मुझे यू वी, तो वाई की जगह लिखा यू वी, अंडर रूट वन माइनस एक्स प्लस वाई, मतलब कितना है एक्स प्लस वाई, क्वेश्चन में मुझे गिवन है यू, तो ये हो गया यू, ठीक है। और साथ में आएगा जेकोबियन, फिर डी यू डी वी, और यू की लिमिट 0 से 1, वी की लिमिट 0 से 1, ये मुझे इवेलुएट करना है। तो इसको बेटा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और हम जो है जेकोबियन की वैल्यू डाल देते हैं, तो यू वन यू स्क्वायर आ जाएगा, यू इंटू दिस, ठीक है, और वन माइनस यू अंडर रूट, और जेकोबियन बेटा मेरा आया था कितना आया था, जेकोबियन निकल कर मेरा यू यू डी यू डी वी, तो यू की तो वैल्यू आ गई, यू की पावर हो गई क्यूब, साथ में वी सॉरी यू क्यूब, पहले यू की टर्म्स लिख लेती हूँ, अंडर रूट वन माइनस यू वी वन माइनस वी डी वी डी यू, जो मर्जी पहले लिख सकते हो आप, ठीक है, आपकी मर्जी है। अब इसको इवेलुएट करना है, ठीक है बेटा। तो आप बड़े आराम से देख सकते हो कि ये किस तरीके से मेरे पास इवेलुएट होगा, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू वी पहले कर लेते हैं, तो यू क्यूब अंडर रूट वन माइनस यू एज इट इज रह गया, वी माइनस वी स्क्वायर है ये एक तरीके से, तो इसका इंटीग्रेशन वी का इंटीग्रेशन वी स्क्वायर बाय टू माइनस वी स्क्वायर का वी क्यूब बाय थ्री, मैंने विद रिस्पेक्ट टू वी इंटीग्रेट कर दिया बेटा। अब यू सारा इंटीग्रेंट यू में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यू जीरो टू वन यू क्यूब वन माइनस यू अंडर रूट वी की वैल्यू डाल दी बेटा, लिमिट ले ली, जब वी को जीरो लेंगे तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये वन बाय टू माइनस वन बाय थ्री बन गया वन बाय सिक्स, अंदर आ गया यू क्यू वन माइनस यू डी यू, यू आ गया जीरो से वन, क्लियर। अब इसका इंटीग्रेशन करना रह गया बेटा, ठीक है। तो इसकी इंटीग्रेशन के लिए आप क्या लोगे, पुट यू इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, तो डी यू क्या आ जाएगा आपके पास,
टू साइन थीटा कॉस थीटा। अब जब सब्स्टिट्यूशन किया तो लिमिट चेंज होंगी इंटीग्रेशन की, तो व्हेन यू इज जीरो तो साइन स्क्वायर थीटा जीरो यानी कि थीटा साइन थीटा जीरो यानी कि थीटा जीरो आ गया, ठीक है। और जब u वन होगा बेटा मेरा तो इंटीग्रेशन आ गई साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन यानी कि साइन थीटा इक्वल टू वन यानी कि थीटा पाई बाय टू आ गया, ठीक है बेटा। तो ये मेरा सपोज कर लीजिए मैंने इसका नाम पूरे का i मान लिया, तो i इक्वल टू वन बाय सिक्स थीटा आ जाएगा जीरो से पाई बाय टू, यू क्यूब मीन्स साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब तो सिक्स पावर हो गई, वन माइनस यू की वैल्यू डाल दी साइन स्क्वायर थीटा, डी यू की जगह डाला टू साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। और ये डी यू की जगह आ जाएगा डी थीटा भी आएगा, ठीक है। खोलो इसको क्या आएगा देखो, सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा आपके पास साइन सिक्स थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, उसका अंडर रूट लिया तो कॉस थीटा, टू मैंने बाहर निकाल लिया साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, राइट। तो ये आ जाएगा वन बाय थ्री थीटा जीरो से पाई बाय टू, साइन की कितनी पावर आ गई सात, कॉस की टू, ठीक है बेटा। अब देखो जीरो से पाई बाय टू का इंटीग्रल हो और साइन की कोई पावर हो और कॉस की कोई पावर हो तो ऐसे इंटीग्रल बहुत आसानी से हम रिडक्शन फॉर्मूला से सॉल्व कर लेते हैं। देखो इधर कैसे सॉल्व करना है, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे बोर्ड पे। देखो साइन और कॉस दोनों की पावर ऐड कर दो, सेवन प्लस टू नाइन, ठीक है। तो नाइन नीचे लिखा, अब एक एक छोड़ते जाओ, नाइन है एट छोड़ दिया सेवन, सिक्स छोड़ दिया फाइव, फोर छोड़ दिया थ्री, टू छोड़ दिया वन, ठीक है। ये तो डिनोमिनेटर आ गया, अब न्यूमरेटर में आओ। देखो साइन की पावर देखो कितनी है, सेवन, सेवन छोड़ दो पहले, एक सेवन के से छोड़ दिया तो सिक्स, फिर एक छोड़ा फाइव छोड़ दिया फोर आ गया, थ्री छोड़ दिया टू आ गया, ठीक है, और खत्म हो गया क्योंकि वन छोड़ेंगे तो खत्म हो गया। ऐसे ही अब कॉस स्क्वायर थीटा पे आ जाओ, कॉस स्क्वायर थीटा है ना, एक पावर पहले ही कम करो, टू की टू में से वन माइन मतलब एक टू को छोड़ दिया तो क्या आया वन आ गया, अब वन के बाद छोड़ने के लिए कुछ नहीं बचा तो इतना ही आ गया, ठीक है। अगर आपका आंसर टू बाई थ्री पे खत्म होता है तो कुछ नहीं करना, वन बाय टू पे खत्म होता है बेटा तो क्या करते हैं पाई बाय टू से मल्टीप्लाई करते हैं। मैं दोबारा से बता देती हूँ, दिस इज बाय यूजिंग रिडक्शन फॉर्मूला। बेटा रिडक्शन फॉर्मूला लगेगा सिर्फ तभी जब जीरो से पाई बाय टू की लिमिट होगी, साइन या कॉस की कुछ भी पावर हो। तो मैंने दोनों दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ, पहले दोनों की पावर ऐड कर दो साइन और कॉस में जो भी है, तो सेवन प्लस टू नाइन पावर हो गई, तो पहले डिनोमिनेटर लिखेंगे नीचे आ गया नाइन, ठीक है। फिर एक एक छोड़ते जाओ, नाइन के बाद एट छोड़ दिया सेवन आ गया, सेवन के बाद एक छोड़ दिया सिक्स छोड़ दिया फाइव आ गया, फाइव के बाद फोर छोड़ दिया थ्री आ गया, थ्री के बाद टू छोड़ दिया वन आ गया, ठीक है। ये तो डिनोमिनेटर आ गया, अब न्यूमरेटर में देखो क्या करना है, पहले साइन की पावर ले लो, सेवन है ना, एक कम से शुरू करना है, ठीक है। तो सिक्स, सेवन से पहले पहले क्या आ रहा है सिक्स, फाइव छोड़ दिया बेटा फोर, थ्री छोड़ दिया बेटा टू, टू के बाद वन छोड़ दोगे तो कुछ बचेगा नहीं, तो यहीं पे खत्म हो गया। अब इसको देखो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस की पावर लो तो टू है ना, टू छोड़ दो, एक नंबर कम से शुरू करना है तो वन, वन पे आने के बाद तो खत्म ही हो जाता है, ठीक है। तो यहीं पे खत्म हो जाएगा। अगर आपका आंसर ये लास्ट में देखो टू बाय थ्री की टर्म्स बची है ना, अगर टू बाय थ्री ऊपर टू है नीचे थ्री है, टू बाय थ्री बचता है तो कुछ नहीं करना, वन बाय टू पे खत्म होता है तो साथ में पाई बाय टू से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बेटा मेरा इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लीकेशन का साइन है, ठीक है। इस सारे को सॉल्व करोगे तो बेटा आंसर आ जाएगा 16/945, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से बेटा ये डबल इंटीग्रल आपका इतनी आसानी से सॉल्व हो गया। अब एक क्वेश्चन और देखो बेटा, कई बार वो डिफरेंट फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जेकोबियन से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, हर बुक में मिल जाता है ये। इफ u इज इक्वल टू एक्स वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और v की वैल्यू दी हुई है आपको साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, ठीक है। शो दैट u v आर फंक्शनली रिलेटेड रिलेटेड एंड फाइंड द रिलेशनशिप, मतलब यू और वी इंडिपेंडेंट नहीं है, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है वो फाइंड करना है, दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ठीक। या क्वेश्चन ये भी आ सकता है, शो दैट यू एंड वी आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर या आर नॉट इंडिपेंडेंट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको पहले तो ये बात पता होनी चाहिए कि जब भी ऐसे दो वेरिएबल्स के बीच की फंक्शनल रिलेशनशिप की बात हो रही है तो क्वेश्चन जेकोबियन का है, ठीक है। तो मैं इसमें जेकोबियन निकालती हूँ, ठीक।
तो जेकोबियन हम निकाल लेते हैं बेटा, हमारे को यू वी गिवन है। अब एक मिनट, डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई, ठीक है, ये हम निकाल लेते हैं रिलेशनशिप। तो देखो u को विद रिस्पेक्ट टू x, u को विद रिस्पेक्ट टू v को विद रिस्पेक्ट टू x, v को विद रिस्पेक्ट टू y, सॉरी y आएगा यहाँ पे, ठीक है। करो देखो, u को विद रिस्पेक्ट टू x करूंगी तो y कांस्टेंट हो जाएगा आपका, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस विद रिस्पेक्ट टू x करना है। सब बच्चों को पार्शियल डिफरेंशिएशन आती है, ठीक। ये तो u को विद रिस्पेक्ट टू x करा, अब u को विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे बेटा, तो ये आ जाएगा आपके पास ये, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू y करा, x को कांस्टेंट मान लिया, क्लियर। अब v को विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, देखो v है साइन इनवर्स x, तो इसका अंडर आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, y कांस्टेंट है, खत्म हो गया। v को विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, क्लियर। इसका बेटा डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया इधर, एक्स वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है बेटा, ये माइनस 1 प्लस एक्स वाई, ये भी ऐसे कट जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है बेटा। इसको सॉल्व किया तो 0 आ गया, ठीक है। तो जेकोबियन अगर जीरो आ जाता है आपका, तो इसका मतलब वेरिएबल्स आर नॉट, यू एंड वी का निकाला ना, यू एंड वी आर नॉट इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है मतलब डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है तो इसका मतलब दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, यू एंड वी आर फंक्शनली रिलेटेड, ठीक है बेटा। तो दे आर फंक्शनली रिलेटेड टू ईच अदर, अगर ये फंक्शनली रिलेटेड है तो उसने आपसे ये भी पूछा है कि आप रिलेशन दीजिए कि क्या रिलेशन है उनके बीच में। तो देखो बेटा, मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है v इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, ठीक है, और मुझे x दिया हुआ है क्वेश्चन में, मैं इसको ले सकती हूँ, और क्वेश्चन में क्या गिवन है, सॉरी मेरे पास है u इज इक्वल टू एक्स वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो इन दोनों को आपस में सॉल्व करके x और y को एलिमिनेट करो, तब आपके पास ये रिलेशनशिप बनेगा कि इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। तो देखो जरा मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, अच्छा ये रिलेशन मालूम है आपको, साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी का रिलेशन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स इंटू वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है रिलेशनशिप, इसमें वैल्यू डाल दो इसकी, तो ये क्या आ जाएगा, बी इक्वल टू साइन, ये बेटा रिलेशनशिप लर्न करना पड़ेगा, साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी का फॉर्मूला यूज किया है, ठीक है। तो मेरे पास आ गया वी साइन इनवर्स यू, तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड वी, ठीक है। उसने ये भी बोला ना कि अगर वो फंक्शनली रिलेटेड है तो उनके बीच में रिलेशनशिप दो, तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड वी, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए था कि दो चीजें कब रिलेटेड होंगी फंक्शनली, जब उनका जेकोबियन जीरो होगा, क्योंकि जेकोबियन जीरो होना मतलब फंक्शन वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है तो डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है तो कैसे डिपेंडेंट है, वो हमारे पास आया रिलेशन वी इक्वल टू साइन इनवर्स यू, तो या यू इक्वल टू साइन वी, इस तरीके से दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है बेटा। तो ये आप मेरा जेकोबियन का पार्ट जो है यहाँ पे खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर बेटा मैं बनाऊंगी जिसमें स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स और सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में आपको पढ़ाऊंगी, तो वहां पे भी जेकोबियन यूज होगा, क्योंकि जब भी आप कोई सिस्टम कन्वर्ट करेंगे तो जेकोबियन की एंट्री जरूर होगी वहां पे, ठीक है बेटा। टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।